अरे ये लोग कहाँ रह गए? शुरू भी तो करना है। नंदिनी, आओ तुम लोगों को मैं ये रसम समझा देती हूँ। दर्श कहाँ है? मैं यहाँ हूँ माँ। आजा जल्दी। पता नहीं अब ये कौन सी रस्म है, लेकिन चाची ने कहा था कि काफी इंटरेस्टिंग है। है क्या ये? अरे बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार है। तू यहाँ पर आ और यहाँ बैठ। बैठ ना शोभित, बैठ। और तुम दोनों अपने अपने हस्बैंड्स के सामने आकर खड़े हो जाओ। आओ आओ। ऐसे आमने सामने आकर कुछ कंपटीशन करना है क्या? समझो कंपटीशन ही है। तुम दोनों के हस्बैंड्स तुम्हारे कानों में बोलेंगे कि उनको कौन सी मिठाई खानी है, और वो मिठाई तुम दोनों को रसोई में बनानी होगी। अरे फिर तो नंदिनी इजीली बना लेगी। वैसे मैंने सुना है नंदिनी मिठाई बहुत अच्छी बनाती है। इतनी बात नहीं है, तुम दोनों को अपने अपने हस्बैंड्स के गोद में बैठना है। हम जीत गए ना? अरे मैं जब कहूंगी तब शुरू होगा ना। उठो। ओ मुझे लगा कि वो कंपटीशन है, तो इनसे अच्छी भाभियां कहां से लाती मैं? एक बहुत ही ज्यादा चंट है और दूसरी बहुत ही ज्यादा बेवकूफ। आई एम सो लकी। तुम दोनों अपने हस्बैंड्स के गोद में बैठोगे। जब तुम्हारे हस्बैंड्स तुम्हारी तारीफ करेंगे तभी फरमाइश कर सकते हैं मिठाई बनाने की। समझ में आई बात? दर्श तो फिर मुंह बना रहा है। अरे ये सारी रस्मों की सिग्निफिकेंस होती है। ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण के गोद में रुक्मिणी जी बैठा करती थी। जब कृष्ण जी तारीफ करते थे ना उनकी, तब जाकर मिठाइयां बनाती थी वो उनके लिए। समझ में आई बात? तो चलो बैठो। अरे नंदिनी क्या हुआ? शर्मा रही हो? अरे शर्माओ मत, जाओ जाओ। चल दर्श, नंदिनी की अब अच्छी सी तारीफ कर दे। मेरे मुंह से तारीफ सुनना चाहती हो? चील जैसी आंखें हैं नंदिनी की। कोई भी कीमती चीज इसकी नजरों से छुपती नहीं है। अरे तभी तो उसने मुझे चुना है। ओ मिस्टर, आप अपनी मिसेस की तारीफ में कुछ कहेंगे?
चार्मी। उनसे ज्यादा चार्मिंग लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अरे वाह, आई नो शोभू, तू भूल नहीं पाएगा चार्मी को, और मैं भी ये बात नहीं भूलूंगा कि नंदिनी की वजह से मेरे भाई को उसके प्यार से अलग होना पड़ा। चलो अब अपने वाइफ्स के कान में बता दो कि कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे। तुम्हें जो भी अच्छा आता हो बना देना। तुम जो भी बनाओगी मुझे वो कड़वा ही लगेगा। एक मिनट, इससे पहले तुम दोनों किचन मिठाई बनाने चली जाओ, इस डिब्बे के अंदर देखना। सोने के सिक्के। हमारे परिवार में पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही शुभ रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ का रिवाज है कि जो भी नई बहू होगी रसोई में पहली बार जाने से पहले इन सिक्कों को छू कर जाती है। राजवी बहू, इसमें तो सिर्फ चार सिक्के हैं। बाकी के दो सिक्के कहाँ गए? क्या ऐसे कैसे हो सकता है? आपके कमरे में गिर गया होगा बाबूजी, मैं देख कर आती हूँ। हाँ हाँ चलो। दादू मैं कह रही हूँ आपसे, अब आपको वो सिक्के वापस नहीं मिलने वाले, इसलिए बेटर यही होगा कि आपकी जितनी भी कीमती चीजें हैं, सोना ज्वेलरी, आप सब लॉकर में रखवाना शुरू कर दीजिए, बेटर होगा। लॉकअप में? अरे जैसे चोरों को रखते हैं वैसे? अरे सुन अमृता बिन तवे पर। नमो, तू ऐसे क्यों बोल रही है? अब दादू बाहर से लोग आए हैं घर पे रहने के लिए, किसके क्या इंटेंशंस है, किस पर भरोसा किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर इतनी कीमती चीजें रखना सेफ नहीं होगा ना, इसलिए कह रही हूँ आपसे। नम्रता तू अपनी भाभियों पर शक कर रही है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग यस। अब भाभियाँ भी तो इंसान ही होती है ना, और दादू जिस बैकग्राउंड से ये लोग आए हैं, आई मीन यू नेवर नो, हु नोस, कभी भी इनकी नियत फिसल सकती है, राइट? इसलिए बेटर होगा कि आप सारी कीमती चीजें सेफ रखें। नम्रता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? भाई क्योंकि मैं आपको तकलीफ में नहीं दे सकती हूँ, नहीं दे सकती हूँ मैं आपको इतना परेशान इस लड़की के वजह से। एक राउंड से तो कुछ भी साबित नहीं होता ना नम्रता बहन। चोरी सिर्फ गरीब आदमी कर सकता है, ये तो कहीं पर नहीं लिखा है ना? अपना आंसर प्रिपेयर करके आई थी क्या? किया होगा, हो सकता है कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारी बहन बंसुरी अपने हस्बैंड के साथ सारे सिक्के 11 बजे की बस से द्वारका लेके गई हो। बस का टाइम टेबल याद करके आई है? हाँ याद ही क्या होगा ना, क्या पता आपको पहले से पता हो कि सिक्के चोरी होने वाले हैं। हाँ
How dare you? आपने भी कैसे हिम्मत की मेरे परिवार पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? लड़की ससुराल आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि मायके से उसका हर रिश्ता टूट गया। वो अब भी मेरा परिवार है। और अपनी बिग बहन के खिलाफ तो मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी, समझी? ओ माय गॉश नंदिनी, तू ऐसे कैसे बात करी नम्रता बहन से? जवाब तो आपको भी देना चाहिए था ना गुनबेन, चोरी का इल्जाम तो आपके पप्पा पर भी लगा है ने? मुझे माफ कर देना बाबूजी, बात मेरे परिवार की है तो शायद गुस्से में थोड़ा ज्यादा बोल दी। कुछ गलत नहीं कहा तूने बाबू। दर्श, दर्श तू कुछ कहेगा नहीं नम्रता से? आखिर कब तक ये बहुओं के साथ ऐसे बर्ताव करती रहेगी? कैंडीमैन, नम्रता से उलझने का मेरा कोई मूड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं इन दोनों की जगह होता तो मैं अपनी तलाशी दे देता, प्रूफ कर देता कि मैंने चोरी नहीं की है, टॉपिक वहीं खत्म हो जाता। दर्श, ये तू क्या बोल रहा है? कैंडीमैन, नम्रता के दिल से शक को हटाने के लिए। नमो, तुम गुन की तलाशी लो और मैं नंदिनी की तलाशी लेता हूँ। भाई, बड़े दिनों के बाद आज आपने कुछ सेंसिबल बात की है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम दोनों क्या करना चाहते हो? अब घर के बहुओं की चोरों की तरह तलाशी ली जाएगी? नहीं बाबूजी, लेने दीजिए इन्हें तलाशी। जब अपनी पत्नी की तलाशी ले लेंगे और कुछ नहीं मिलेगा तो शायद तब एहसास हो जाए कि पत्नी की तलाशी लेने से पहले उसका साथ दे दिया होता। चले। दर्श, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।